हेलो फ्रेंड्स, मैं गुंजन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज के इस वीडियो में आपको एक तरह का सब्जी बनाना बता रही हूँ। ये रेसिपी मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे शेयर किया था, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये पराठा पूरी नान के साथ बहुत ही अच्छा लगता है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए। सो चलिए देखते हैं। सबसे पहले गैस को ऑन करके उस पर एक कुकर चढ़ाएंगे। कुकर को गर्म होने के बाद अपना कुकिंग ऑयल कोई भी डाल लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पर कुकिंग ऑयल डाला है, लगभग 2 से 3 चम्मच आप कुकिंग ऑयल डाल लीजिए। और यहाँ पे मैंने जीरा डाला है। सो जीरा को थोड़ा सा फ्राई होने के बाद, देखिए मैंने यहाँ पे गरम मसाला लिया है, सारे साबुत गरम मसाला है, दालचीनी, लौंग, इलायची, तेजपत्ता, इन सबको आप डाल के थोड़ा सा अच्छे से भून लीजिए। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हींग डाला है, और यहाँ पे मैंने करी पत्ता और धनिया पत्ता डाला है। इन दोनों से काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। सो कभी भी आप सब्जी बनाइए तो धनिया पत्ता आप थोड़ा सा तेल में डालिए, बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है। तो इसे आप कुछ सेकंड्स के लिए भूनने के बाद, देखिए मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ का प्याज को काट लिया है, और इसे भी डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लीजिए। सो देखिए यहाँ पे प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम यहाँ पे आधे प्याज को निकाल लेंगे एक बाउल में, और बाकी को थोड़ा सा और भून लेंगे। सो देखिए मैंने यहाँ पर निकाल लिया है, और बाकी प्याज को थोड़ी देर के लिए और भूनेंगे तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दे रही हूँ। सो देखिए जो प्याज निकाला था उसे एक ब्लेंडिंग जार में डाल दीजिए। और यहाँ पे मैं ब्लैक पेपर ली हूँ, काली मिर्च, हरी मिर्च और जीरा, अदरक, लहसुन, इन सबको भी आप ब्लेंडिंग जार में डाल दीजिए। इन सबका हमें फाइन पेस्ट बनाना है बिना पानी का, इसमें पानी का यूज़ बिल्कुल मत कीजिए। और हमारा प्याज ठंडा हो जाए तो इसका पेस्ट बना लीजिए। सो देखिए यहाँ पे प्याज काफ़ी अच्छे से भुना चुका है। अब हम इसमें मसाले जो हमने पीसा था वो डाल देंगे, और फिर इसे भी मिक्स कर देंगे। देखिए जो जार में मसाला बच गया था उसमें थोड़ा सा पानी डालकर कुकर में डाल देंगे, और इन्हें अच्छे से तेल छूटने तक पका लेंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पे मसाला तेल छूटने तक पक गया है। अब हम इसमें सारे सूखे मसाले डालेंगे। तो 1 चम्मच हल्दी, 1.5 चम्मच धनिया और 1 चम्मच तीखी मिर्च डाला है, लाल तीखी मिर्च, और थोड़ा सा पानी डालकर मसाले को भूनेंगे अच्छी तरह से। और देखिए मैंने यहाँ पे कलर लाने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ किया है। तो लगभग 1 छोटी चम्मच आप कश्मीरी लाल मिर्च डाल दीजिए, इससे सब्जी का कलर बहुत ही अच्छा आता है। और फिर इन सबको आप मिक्स कर दीजिए। सो देखिए यहाँ पे मैंने एक बारीक कटा हुआ टमाटर लिया है, इसे भी आप डाल दीजिए, और इसमें थोड़ा सा पानी डालिए जिससे टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाए और मसाले काफ़ी अच्छे से पक जाएं। हल्का हल्का पानी डाल के मसालों को पकाइएगा तो मसालों का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। सो देखिए टमाटर काफ़ी अच्छे से मिक्स हो गया है मसालों में। अब हम इसमें 1 चम्मच चिकन मसाला डालेंगे। सो देखिए लगभग 1 चम्मच इसमें मैंने 1 छोटी चम्मच चिकन मसाला डाला है और मसालों में मिक्स कर दिया है। सो देखिए यहाँ पे मैंने 6, ना ही ये बड़ा है और ना ही ये छोटा है, मीडियम साइज़ का आलू लिया है। तो इसे हम थोड़ा सा क्रश कर देंगे। सो देखिए ये थोड़ा सा ये फट चुका है, इसमें मसाले भी काफ़ी अच्छे से जाएंगे और नमक भी, ये थोड़ा यूनिक है। इसी तरह से आप सारे आलू के साथ कर लीजिए। सो देखिए मैंने यहाँ पे सारे आलू को कर लिया है। अब हम इस मसालों में उस आलू को डाल देंगे और मसाले के साथ इसे मिक्स कर देंगे। और देखिए मैंने यहाँ पे चना को काफ़ी अच्छे से वॉश करके और इसे एक छान दिया है जिससे इसका पानी सारा निकल जाए। अब हम इसमें चना भी डाल देंगे और इसे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे, और इसे लगभग 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे, और उसके बाद नमक डाल देंगे। स्वादानुसार नमक डालिए, ध्यान रहे पहले हमने प्याज में भी नमक डाला है, और लास्ट में 1/2 छोटी चम्मच आप गरम मसाला डालिए और इसे सबके साथ मिक्स कर दीजिए। और उसके बाद अंदाज से आपको जितना ग्रेवी रखना है उस हिसाब से पानी डालिए। मैं यहाँ पे 1 से 1.5 ग्लास का यूज़ कर रही हूँ,
ताकि इसमें आलू भी है सो पानी को सक करेगा। और ऊपर से धनिया पत्ता डालकर कुकर को बंद कर दीजिए, 3 से 4 सीटी आने तक इसे पका लीजिए। तो देखिए सीटी निकल चुका है और आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा बन के तैयार हो गया है, काफ़ी यमी लग रहा है। मैं आपको जूम करके भी दिखा रही हूँ, आप देखिए। अब हम इसे सर्विंग बाउल में सर्व कर लेंगे। तो सबसे पहले सारे सब्जियों को अच्छे से मिक्स करके एक बाउल में आप निकाल लीजिए। तो देखिए ये पूरी नान पराठा और राइस के साथ खाने के लिए ये रेडी हो चुका है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे और भी वीडियोज़ को देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। थैंक यू।